इसकी लाइफ काफी अच्छी है। पीस कटे हुए हैं इसके, आप देख सकते हैं पीस बिल्कुल कटे हुए हैं, एक एक पीस है आप देख सकते हैं, अलग अलग पीस है सभी का, पिस्ता लगा हुआ है और ये खोए की बनी होती है। काजू पपीसे की डिमांड बहुत ज्यादा है बाहर, इसका रेट 550-600 रुपए किलो है, लेकिन हमारे यहाँ आपको, और ये 3 किलो का बॉक्स होता है। तो आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, सुनील राठौर सुंदर स्वीट से, आपको पता होगा कि मेरा रिटेल का भी काउंटर है, होलसेल में भी मिठाइयां देता हूं मैं, लेकिन होलसेल में काफी सारे लोग मेरे से जुड़कर बिजनेस भी कर रहे हैं, जिनको पता है कि हमारे यहाँ होलसेल में मिठाइयां मिलती हैं जो हमारी दुकान के नजदीक लोकेशन में है या थोड़ा सा दूर है, तो उनको तो पता है कि यहाँ पर मिठाइयां मिलती हैं, वो ले जाते हैं। जो मिठाइयां हम आपके पास भेजेंगे उन मिठाइयों को देख लें, मार्केट में सेलिंग कराएं, आइडिया लें और उनसे रेट पता करें कि ये क्या रेट आप खरीद लेंगे, तो इसका एक बिजनेस भी कर सकते हैं आप मिठाइयों का। लेकिन जो मिठाइयां आपके पास जाएंगे आप घर पे भी यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादा मिठाई नहीं दिखाऊंगा, कुछ मिठाइयां आपको दिखा देता हूं, लेकिन और मिठाई जितनी भी मिठाइयां सारी मिलेंगी हमारे पास, आप कॉल करके मुझसे जानकारी। मलाई बर्फी, ये 2.5 किलो का बॉक्स है हमारे पास, पूरा तैयार होता है, मैं पूरा दिखा दूंगा आपको, ये आप देख लें, बिल्कुल प्योर एकदम बढ़िया दूध का ये है, आप ले सकते हैं इसको, लेकिन इसका बॉक्स है। उससे बढ़िया एक और मिठाई है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से बाहर रहते हैं, उसे बेशक मंगा लें, 2.5 या 3 किलो का बॉक्स होता है, कोरियर चार्ज आपको देना होगा, भेज दूंगा, जैसे ये पिस्ता बर्फी है, अगर बाहर से लेंगे तो इसका रेट काफी महंगा है, लेकिन हमारे यहाँ होलसेल में बहुत ही सही रेट पर पड़ती है, ये पैकिंग में आएगी, इसकी लाइफ काफी अच्छी है। पीस कटे हुए हैं इसके, आप देख सकते हैं पीस बिल्कुल कटे हुए हैं, एक एक पीस है आप देख सकते हैं, अलग अलग पीस है सभी का, पिस्ता लगा हुआ है और ये खोए की बनी होती है। आप घर पे भी ये पिस्ता बर्फी मंगा सकते हैं हमारे से, चाहे दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है, ये आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन उससे भी एक बढ़िया चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक काजू पतीसा, दिखा सकते हैं आप एक बार, ये डब्बा मैंने पैक किया हुआ पन्नी से, काजू पतीसे की डिमांड बहुत ज्यादा है बाहर, इसका रेट 550-600 रुपए किलो है, लेकिन हमारे यहाँ आपको कम प्राइस में, बिल्कुल ही कम रेट में मिल जाएगी ये काजू पतीसा। आप घर पे मंगाएं, इसका बिजनेस करें, ये आप देख सकते हैं, इसका रेट भी बता दूंगा, आप जानना चाहते हैं रेट, मैं रेट भी बताता हूँ, ये आप देख लें काजू पतीसा, एक एक पीस है, पीस निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आप देख लें, ये अलग बटर पेपर हर किसी में लगा हुआ है, काजू पतीसा है ये, और ये 3 किलो का बॉक्स होता है। आप भी घर बैठे ही बिजनेस करेंगे इसका तो काफी पैसा लगेगा, क्योंकि जगह लेनी पड़ेगी आपको, कम से कम 100-150 गज की जगह में जमीन होनी चाहिए, जिसका रेंट होता है 15 से 20 हजार रुपए, 4-5 कारीगर भी रखेंगे आप, उनका भी खर्चा देना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, यानी बहुत सेटअप बनाना पड़ता है, उसके बाद ये आइटम चालू होगा। लेकिन इतना पैसा हर कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, वो इतना पैसा खर्च क्यों करेंगे। तो आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बॉक्स हमारे से मंगाएं, आप हमारे नजदीक है तो हमारी शॉप से आकर ले जाएं, अगर दूर बैठे हैं या दिल्ली से बाहर है, आप ऑल इंडिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, चाहे वो पंजाब हो, झारखंड हो, रांची हो, या मद्रास हो, या राजस्थान है, कहीं भी आप इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, आप भी ये बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आप पे इतना पैसा नहीं है कि अपना सेटअप लगा लें, तो मेरे से कुछ मिठाइयां आप मंगा लें सैंपल के रूप में, ये बॉक्स आपके पास कंप्लीट आएगा, इस बॉक्स को मार्केट में दिखा दें, मार्केट में दिखाने के बाद वहां से ऑर्डर कलेक्ट करें, आपका माल कोरियर द्वारा फिर भेज दिया जाएगा, पैसा भी कमा सकते हैं। अगर नहीं बेचना है तो आप घर पे खाने के लिए भी मंगा सकते हैं हमारे से ये बॉक्स, आपको ये मात्र 300 रुपए किलो पड़ेगा, लेकिन 30 रुपए कोरियर चार्ज लगता है इसका, वो भी आपको देना होगा, 30 रुपए किलो आपको कोरियर चार्ज लगेगा, 3 किलो का बॉक्स है, 90 रुपए कोरियर वालों के हो गए, प्लस ये काजू पतीसा आपको घर बैठे ही दिल्ली में, मद्रास में, बॉम्बे में, गोवा में, कश्मीर में, कश्मीर से भी काफी भाई जुड़े हुए हैं, या गोवा वाले जो जुड़े हुए हैं रेस्टोरेंट है जिनके, वो भी मंगा सकते हैं और इसका बिजनेस चालू कर सकते हैं। अगर नई बिजनेस चालू हो रहा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, लेकिन ये खराब होने वाला आइटम नहीं है, अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके बारे में और भी कोई ज्यादा जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट करें, इसकी ऑलरेडी हमने काफी वीडियो डाल रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल सुंदर स्वीट्स में जाके देख सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।